किचन इज शेयरिंग आपको वेलकम खुश शाम तेज। उम्मीद करती कि आप सब कैरियर से होंगे, खुदा के फजल से, खुदा के करम से, उसकी बेबहा मोहब्बत से। तो जी आज शेयरिंग की किचन में ड्रिंक बना रहे हैं हम, बहुत ज़बरदस्त किस्म की, बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट रहती है। आज की जो ड्रिंक है वो है बीट रूट की, यानी के चुकंदर की। तो शुरू करते हैं खुदा उनकी खूबसूरत और बबरकत नाम। हाफ के जी मेरे पास बीट रूट है, यानी कि आधा किलो मेरे पास चुकंदर है। तो चुकंदर को हम बॉईल करेंगे छिलके के साथ ही, अच्छे से इसको मैंने वॉश कर लिया है। मैंने पतीले में पानी ले लिया था, इसके अंदर जो है हम चुकंदर रख देंगे और इसको ढकना बंद कर देंगे और इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। चेक करते हैं बीट रूट हमारा जो है बॉईल हो गया। आप जो है नाइफ की मदद से, यानी छुरी से भी आप इसको देखें कितने अच्छे से बॉईल हो गया। अभी जो है मैं फ्लेम ऑफ कर, अभी जो है बीट रूट को हम निकाल लेंगे, यानी चुकंदर को निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे मैंने अभी आपके सामने ये देखें छुरी के साथ ऐसे चेक किए, इसी तरह आपने चेक कर लेना कि गल गए हैं या नहीं गल गए, बॉईल हुए या नहीं बॉईल हुए। तकरीबन एक से डेढ़ घंटा लगेगा इसको। अभी जैसे ये ठंडा होगा इसका हम छिलका उतार लेंगे, अभी बहुत गर्म है। जैसे ही ठंडा होगा तो इसका छिलका उतार लेंगे। तो अभी छिलका उतार लेते हैं। छिलका जो है बहुत ईजी, ये देखिए ईजी उतर जाता है, मगर आप इसको ठंडा होने दीजिएगा। तो ये बहुत डिफरेंट रेसिपी है, मेरे ख्याल में यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर ने इसका ड्रिंक बनाया है बीट रूट का, मगर सब ने डिफरेंट डिफरेंट बनाया है और ये बहुत, मैं डिफरेंट आपको रेसिपी बता रही हूँ। छिलका मैंने उतार लिया था, अभी हम जो है इसके पीसेस कर लेंगे। चुकंदर जो है हम जग में डालेंगे, इसमें पानी ऐड करेंगे एक ग्लास में जो है पानी। अभी मैं शुगर इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून, यानी कि खाने के 3 चम्मच। और मेरे पास ब्लैक सॉल्ट है वो 1/4 टीस्पून है, वो मैं ऐड कर रही हूँ। आप रेगुलर सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि रेगुलर नमक भी आप यूज़ करते हैं और वो कर सकते हैं। और लेमन का मेरे पास जूस था, लेमन 2 लेमन का मैंने अच्छे से जूस निकाल लिए। अब तीनों चीज़ें इसमें ऐड करके हम दोबारा से मशीन चलाएंगे। अभी ऑफ करते हैं और ये देखिए बहुत ज़्यादा थिक है, तो इसमें मैं पानी 1 गिलास और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने 1 गिलास डाला था, 1 गिलास मैंने पानी और इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको चलाते हैं। अगर आप शुगर नहीं ऐड करना चाहते तो आप शुगर ऐड नहीं करें। मुझे थोड़ा सा इसको मीठा जो है टेस्ट देने के लिए, यानी कि थोड़ा सा इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए मुझे मीठा मैंने डाला। अब वो मशीन जो है वो मैं बंद कर देती हूँ और हमारा जो है ड्रिंक वो रेडी हो चुका है। अभी ये हम बर्तन में निकाल लेते हैं बॉल में, ये देखिए कितना थिक और कितना मज़े का ड्रिंक हमारा जो है रेडी हो चुका है। इसके अंदर मैंने शुगर ऐड की थी, सॉल्ट ऐड की है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप नहीं करें। तो बीट रूट की ड्रिंक हमारी रेडी हो चुकी है, क्लोव डालेंगे। ड्रिंक डाल रही हूँ। डॉक्टर जो है एडवाइस करते हैं जब पेशेंट का HB डाउन होता है, यानी कि उनका होम्योग्लोबिन कम होता है, तो चुकंदर का भी एडवाइस किया जाता है कि जी आप खाने में आप चुकंदर यूज़ करें। तो इसका सैलेड बना के खा सकते हैं आप, ड्रिंक बना के सैलेड भी आप जो है कच्चा बिल्कुल चुकंदर नहीं खा सकते, क्योंकि वो इतना टेस्टलेस होता है कि वो खाया नहीं जाता। तो आप जब भी सैलेड बनाएं या ड्रिंक बनाते हैं तो आप बॉईल कर लिया करें, तो ये बहुत ही मज़े का ड्रिंक बनेगा। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है आने वाली आज की हमारी ड्रिंक, और बहुत हेल्दी ड्रिंक है ये वाली। ये स्किन को बहुत ग्लो करती है, स्किन इससे बहुत ग्लो करती है। अगर आप अपनी खुराक में रखते हैं चुकंदर का इस्तेमाल तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये देखें मैंने 1/2 kg लिया था चुकंदर, इनके 1/2 kg मैंने बीटरूट लिया था, और उसमें देखें कितने 4 गिलास ईजीली बन गए हैं हमारे ड्रिंक के। अगर आपके घर में गेस्ट भी आते तो आप उनको भी सर्व कर सकते हैं, और अपने बच्चों को ज़रूर बना के ये पिलाया करें। घर में बड़े बूढ़े हैं उनको भी दिया करें, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। बीटरूट की ड्रिंक आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दिया करें, और सब्सक्राइब करने से थोड़ा दिल खोलें।
और कंजूसी छोड़ें और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, लाइक जरूर किया करें। ओके जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।